गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कोचिंग पर। आज की इस क्लास में अपन प्रश्नावली 6 और 7 के महत्वपूर्ण सूत्र और नियम के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नावली 6 में एक सारणी दे रखी है, त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी। ये सारणी प्रश्नावली 6, प्रश्नावली 7, प्रश्नावली 8 और प्रश्नावली 12 यानी प्रश्नावली 15 यानी कि 4 प्रश्नावलियों में इस सारणी से संबंधित प्रश्न होते हैं। तो ये सारणी आपको निश्चित रूप से आनी चाहिए। एक बार देखें सारणी के बारे में, ये रेडियन है और ये डिग्री है। तो कोण मापने की इकाई होती है एक तो रेडियन और एक डिग्री। तो याद रखना डिग्री और रेडियन में क्या संबंध होता है। एक रेडियन में 180 डिग्री यानी एक पाई में 180 डिग्री होता है। यहाँ पर एक उदाहरण पर में भी याद रखनी है आपको, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और ये एक समकोण त्रिभुज है, ये थीटा है, तो कोण थीटा और भुजाओं के बीच संबंध होगा। ये न्यून कोण है, साइन कोस टेन जिसके फॉर्मूले दिए हुए हैं लंब बटा करण, आधार बटा करण, लंब बटा आधार। तो देखें कौन कौन से नियम यहाँ लगते हैं। प्रश्नावली 6 में आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न पूछ ले साइन 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री का मान कितना होगा। प्रश्न आपको पूछ ले टेन 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा। प्रश्न आपसे पूछ ले सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो इस प्रकार का प्रश्न निश्चित रूप से पूछेंगे। हो सकता है एक नंबर में पूछे, हो सकता है तीन नंबर में पूछे। तो देखो साइन 45 की यहाँ आप वैल्यू देखोगे, ये साइन थीटा, ये 45 डिग्री, एक बटा अंडर दो और प्लस एक बटा अंडर दो। कोस 45 की वैल्यू भी एक बटा अंडर दो होगी। तो यहाँ इसको आप काउंट करोगे तो ये एक रे कितनी बार हो गया, दो, एक बटा अंडर दो, दो बटा अंडर दो को इस प्रकार भी हल कर सकते हैं। अंडर दो अंडर दो, दो अंडर दो बटा दो, दो से दो कैंसिल। विशेष ध्यान देना एक बटा अंडर दो प्लस एक बटा अंडर दो। तो अजय अपने दो बटा अंडर दो बटे में अंडर दो आया, तो अंडर दो को अपन नीचे गुणा करवाया और दो अंडर दो बटा दो, दो से दो कैंसिल। तो इस प्रकार हल करते हैं इस प्रश्न को। टेन 45 की वैल्यू एक होती है, ये टेन थीटा और ये 45, इसकी वैल्यू एक होगी। कोट 45 की एक, इसकी भी एक, आंसर आएगा तीन। तो आपको सारणी के मान आने चाहिए। सारणी ऐसे याद नहीं होती है, तो एग्ज़ाम में जैसे आपको कॉपी मिलती है 15 मिनट पहले, पेपर से 15 मिनट पहले कॉपी मिलती है, तो वहाँ पीछे के पेज पर आप कार्य लिखते हुए आप अच्छी तरह से सारणी बना लो। इससे आपकी समय की भी बचत होगी और बाद में कोई गलती भी नहीं होगी। इसी प्रकार सेक 60 है, तो ये सेक थीटा और 60 डिग्री, तो सेक 60 का मान दो होता है। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, टेन 60 का मान अंडर तीन का स्क्वायर। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगाना है, क्यूब लगा हुआ तो क्यूब लगाना है। दो का स्क्वायर 4 होगा, अंडर तीन का स्क्वायर 3 होगा और इसका आंसर आएगा 4 प्लस 3 बराबर 7। इसके अलावा इसमें जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने हैं। जैसे मान लो इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, ए बी सी, यहाँ आपको थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री और यहाँ आपको मान दिया हुआ 20 मीटर। मान लो एक स्तंभ है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, उसकी ऊंचाई 20 मीटर है और आपसे पूछ ले कोण बनाता है वो 30 डिग्री, तो इसकी छाया की लंबाई ज्ञात करो, यानी कि आपको यहाँ आधार ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में दो भुजा होगी, एक कोण होगा, एक से अपन को कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ आपको एक लाल बटा कक्का यहाँ से विशेष ध्यान रखना। प्रश्नावली 6, 7 और 8, 8 भी इसमें सम्मिलित है। 6, 7, 6 प्लस 7 प्लस 8 टोटल हो गए 11 अंक। जो आठवीं प्रश्नावली है उसमें भी त्रिकोणमितीय नियम लगते हैं। एक नंबर पे
लंबटाकरण, तो आप जानते हो एक नंबर पे क्या होता है, साइन थीटा आता है एक नंबर पे। दो नंबर पे अपने हैं आधार बटाकरण, ये दो नंबर, तो दो नंबर आधार बटाकरण किसका सूत्र हो जाएगा, कोस थीटा। और तीन नंबर पे अपने हैं लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार का संबंध किससे होगा, टेन थीटा। तो यहाँ एक प्रश्न में देखो आप, 20 यानी कि अपने पास लंब है, जब थीटा यहाँ दिया हुआ हो, कोण यहाँ पर हो, तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। कोण जब यहाँ पर दिया हुआ हो तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। कोण के सामने वाली भुजा होगी वो हमेशा लंब होगी, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी वो कर्ण होगी, और कर्ण इन तीनों में से सबसे बड़ी भुजा होगी, इसी से बोधायन प्रमेय बनती है। तो यहाँ देखो टेन थीटा का फॉर्मूला काम करेगा, और आपसे यहाँ पर ए भी ज्ञात करना है, तो लंब बटा आधार बराबर टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। लंब की वैल्यू अपने पास ऊंचाई है 20 मीटर, आधार अपन को ज्ञात करना है, तो आधार को अपन ए भी मान लेते हैं, ए भी बराबर, या एक्स लिख लो एक्स मीटर, और टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। टेन 30 की वैल्यू है वो 1/√3, एक्स बराबर वज्र गुणन से 20√3 मीटर। और यदि आप 3 का मान लिखना चाहो, 20 × 1.732, 3 का मान होता है 1.732, 2 की वैल्यू होती है 1.414। यदि प्रश्न में दिया हुआ हो इसका मान, तो आगे हल करना, नहीं तो नहीं करना है। प्रश्न 3 नंबर का हो तो हल करना है, 1 नंबर का हो तो नहीं करना है। तो इस प्रकार का प्रश्न अपने यातायात सड़क सुरक्षा में सीसीटीवी कैमरे का प्रश्न पूछते हैं कि एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उत्तरदेश स्थान पर, उसकी दूरी बताओ। तो इस प्रकार विशेष ध्यान रखना, ये प्रश्नावली 19 में भी इस प्रकार का प्रश्न दिया हुआ है। इसके अलावा तो इसमें प्रश्न पूछेंगे आपसे प्रश्नावली 6 में, प्रश्नावली 6 में ये भी दे सकते हैं, रेडियन के अंदर आपसे कहते हैं 10π/6 प्लस cot π/4 प्लस cosec π/2 का मान ज्ञात करो। तो पाई की वैल्यू, यानी पाई यहाँ रेडियन में है, याद रखना पाई की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पर 180 डिग्री के। तो जब आप 6 का भाग 180 में देते हो तो 30 डिग्री हो गया ये, इसका मतलब 10 30 का जो मान है वही मान π/6 का है। तो इस पर कन्फ्यूज मत होना, इसका प्रश्न भी अपने पाठ्यपुस्तक में दिया हुआ है, इस प्रकार भी पूछ सकते हैं एक नंबर का। तो 10π/6 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√3। cot π/4 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 होती है cot π/4। cot π/4 यानी 4 का भाग जब 180 में दोगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री। इस प्रकार या एक फिर cosec π/2, तो cosec π/2 की वैल्यू अपने पास 1 होती है, 1/√3 प्लस 2। तो इस प्रकार इसको ले से पहले के अपन हल करते हैं। तो ये तो अपने प्रश्नावली 6 से प्रश्न संबंधित थे, अब अपन प्रश्नावली 7 पे आते हैं, जो इसके बेसिक कंसेप्ट हैं। प्रश्नावली 7 में 3 महत्वपूर्ण सर्वसमीकरण दे रखी है, sin²θ प्लस cos²θ बराबर 1 होता है। यहाँ से आप पक्षांतरण करके और भी सर्वसमीकरण बना सकते हो, जैसे sin²θ बराबर 1 − cos²θ। इसी प्रकार एक सर्वसमीकरण और है अपने पास, 1 + tan²θ बराबर sec²θ। इसी प्रकार तीसरी सर्वसमीकरण है, 1 + cot²θ बराबर cosec²θ। ये 3 महत्वपूर्ण सर्वसमीकरण है। इसी से प्रश्न जो 27वां क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, वो इसी सर्वसमीकरण से संबंधित होगा। तो ये तीनों सर्वसमीकरण आपको याद होनी चाहिए कि sin²θ प्लस cos²θ की वैल्यू 1 होती है, 1 + tan²θ बराबर sec²θ की वैल्यू बराबर sin²θ sec²θ, और 1 + cot²θ होता है
वो कॉस एक स्क्वायर थीटा होता है। इससे पक्षांतरण करके और भी अपन सर्वसमिका बढ़ा सकते हैं। अब त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या संबंध होता है एक दूसरे में, तो उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर आपको याद रखना है कि साइन थीटा होता है वो एक बटा कोस एक थीटा के व्युत्क्रम होता है, यानी साइन थीटा की वैल्यू जब 4/5 है तो कोस एक थीटा की वैल्यू 5/4 होगी, इसका व्युत्क्रम होगा। दो नंबर पे कोस थीटा तो ये होता है 1/6 थीटा, तीन नंबर पे टेन थीटा तो ये होता है अपने 1/cos थीटा, चार नंबर पे cot थीटा तो ये होगा 1/tan थीटा, पांच नंबर पे sec थीटा तो ये होगा अपने 1/cos थीटा, और छह नंबर पे cosec थीटा तो बराबर 1/sin थीटा। तो ये एक दूसरे में व्युत्क्रम संबंध है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, छः तो आपको ये याद रखने हैं, तीन सर्वसमी का याद रखनी है। इसके अलावा टेन का जो 90% सूत्र पूछा जाता है, टेन डेटा का अपन अधिकतर यही सूत्र लिखते हैं, साइन डेटा बटा कोस डेटा, टेन डेटा बराबर साइन डेटा बटा कोस डेटा। तो ये सूत्र 90% प्रश्नों में काम आएगा और ये सूत्र 10% प्रश्नों में काम में आएगा। फिर है कोस डेटा, इसका उल्टा लिख दो कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये कोस थीटा का जो फॉर्मूला हुआ ये 90% पूछा जाता है और ये 10% ही पूछा जाएगा। तो इस प्रकार ये इसके कुछ फॉर्मूला हुए, छः तो आपको ये याद रखना है, दो ये याद रखना है, और भी याद रखना साइन थीटा डॉट कोस एक थीटा का गुणा एक होता है, कोस थीटा डॉट सेक थीटा का गुणा एक होता है, टेन थीटा डॉट कोट थीटा का गुणा एक होता है। तो इस प्रकार इनका ये गुणे में संबंध है, साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये गुणन का नियम है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये याद रखना, ये भी नियम काम में आते हैं। तो ये प्रश्नावली 6, 7 और 8 तीनों मिला के त्रिकोणमितीय प्रश्नावली है और ये 11 नंबर की आएगी अपने बोर्ड एग्जाम में। यहाँ से 11 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 6, 7, 8। तो विशेषता एक तो सारणी आनी चाहिए, ये सारणी प्रश्नावली 15 के अंदर है जिसमें अपने वृत्त के संबंधित प्रश्न है, वह प्रश्न आ जाता है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तब आपके पास सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। तो यहाँ पर ये साइन थीटा है तो साइन के अलग अलग मान आने चाहिए आपको, साइन 30 वहाँ थीटा 30 डिग्री हो सकता है, वहाँ 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है, तो वहाँ पर साइन के कंप्लीट मान आपको आने चाहिए। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान 3/√2 और साइन 90 का मान 1। चाहे तो आप इसको रट लो और चाहे तो आप इसको समझ लो। इस प्रकार ये प्रश्नावली 6, 7, 8 इसके मैंने आपको महत्वपूर्ण नियम और कंसेप्ट क्लियर किए हैं। प्रश्नावली 7 से एग्जाम्पल पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, टोटल 12 एग्जाम्पल है। पिछली बार बोर्ड एग्जाम 2019 में कंटिन्यू एग्जाम्पल 6, 7, 8 और प्रश्नावली 7.1 का 26वां क्वेश्चन, यानी ये 4 क्वेश्चन थे, इनमें से 2 क्वेश्चन करने थे, तो एग्जाम्पल 6, 7, 8 कंटिन्यू पूछा गया। तो इस बार भी मान के चलना कि एग्जाम्पल 9, 10, 11, 12 यहाँ से एक प्रश्न 6 अंक का होगा। एग्जाम्पल 9, 10, 11, 12 किताब में दिया हुआ है, आप वहाँ देखना, विशेष बता रहा हूँ, वापस देख लेना आप, प्रश्नों को भले ही मत मिलाओ लेकिन एग्जाम्पल ज़रूर तैयार कर लो। एग्जाम्पल 9, 10, 11, 12 अच्छी तरह से तैयार कर लेना, यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर बोर्ड के एग्जाम में मिलेगा, वो भी 6 अंक का मिलेगा। तो देखें आप प्रश्नावली, न्यू प्रश्नावली के नियम, देखें प्रश्नावली 1 से लेके
नौ तक महत्वपूर्ण सूत्र व नियम। अभी मैंने जस्ट आपको प्रश्नावली 6, 7, 8 जो त्रिकोणमिति से संबंधित है उन प्रश्नों के बारे में समझा दिया। अब आपको मैं 1 से 9 तक जो कौन कौन से सूत्र और कौन कौन से नियम काम में आते हैं और कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो बात करते हैं अपन प्रश्नावली 1 की। प्रश्नावली 1 जिसका नाम है वैदिक गणित। प्रश्नावली 1 वैदिक गणित। याद रखना यहाँ से 3 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और 3 प्रश्न यानी कि 1+1+2 टोटल हो गए 4 अंक। तो पहले आपको यह बताना चाहिए भी अपन कौन सी प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, वो प्रश्नावली कितने नंबर की है, वहाँ से कितने प्रश्न आते हैं। जो प्रश्नावली अधिकतम नंबर की है और जिससे सरल प्रश्न पूछे जाते हैं उसका विशेष ध्यान रखो। तो 1+1+2 तो कौन कौन से क्रमांक पे, प्रश्न क्रमांक 1 होगा पेपर का वो वैदिक गणित का होगा, प्रश्न क्रमांक 2 होगा वो भी वैदिक गणित का होगा जो भाग ए में है, और भाग बी में प्रश्न क्रमांक 11 होगा जो 2 नंबर का होगा वो भी वैदिक गणित का होगा। तो 3 प्रश्नों का स्थान फिक्स है, 1 नंबर 2 नंबर 11 नंबर। यहाँ से वैदिक गणित के कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ 1 नंबर पे आपसे पूछ ले निकलम से वर्ग, या यहाँ पूछ ले आपसे सूत्र शून्य साम्य समुच्चय द्वारा समीकरण का हल, या वैदिक गणित से हल। यहाँ आपसे पूछ सकता है ध्वजांग विधि का भाग, या आपसे पूछ सकता है परावर्ती विधि से भाग, या आपसे पूछ सकता है निकलम से भाग। और तीनों को नहीं पूछा जाए तो ये मान के चलना या यहाँ आपसे पूछेंगे निकलम द्वारा घनफल, निकलम द्वारा घनफल यानी घन ज्ञात करना है, क्यूब ज्ञात करना है। तो ये कुछ बेसिक है। या निकलम वर्ग समीकरण पूछते हैं वैदिक गणित से, तो ये सारे नियम आने चाहिए आप। अब आप कम से कम 5 या 7 प्रश्न तैयार कर लो इससे, एक ध्वजांग विधि का भाग तैयार कर लो, एक परावर्तीय का, एक निकलम का, निकलम द्वारा घनफल की याद कर लो। तो मैं आपको इसके सूत्र बता रहा हूँ कौन कौन से सूत्र हैं। जैसे मान लो प्रश्न परीक्षा में पूछ ले सूत्र निकलम द्वारा वर्ग ज्ञात करो, तो सूत्र निकलम द्वारा वर्ग ज्ञात करने के 2 नियम हैं। एक तो आपके पास है वो है आधार विधि, जिसमें आधार अपन 10 लेते हैं, आधार 100 लेते हैं, आधार 1000 लेते हैं। और एक अपने पास है उपाधार विधि। तो आधार विधि का जो सूत्र होगा, आधार विधि का जो सूत्र है अपने पास निकलम द्वारा वर्ग संख्या का स्क्वायर बराबर संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। निकलम से जब वर्ग पूछेगा तो ये तो सूत्र आपको आना ही चाहिए, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। और यदि उपाधार विधि से पूछे तब आपके पास इसका फॉर्मूला होगा संख्या का स्क्वायर बराबर उपाधार अंक संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो ये इसको ध्यान रखना आप। इसी प्रकार सूत्र निकलम द्वारा घनफल पूछ ले, सूत्र निकलम द्वारा घनफल घनफल। तो यहाँ अपने पास इस फॉर्मूला होगा संख्या का क्यूब संख्या प्लस 2 × विचलन ऑब्लिक 3 × विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। और इसी प्रकार इसका आधा उपाधार विधि का पूछे तो यह उपाधार अंक का स्क्वायर लग जाएगा और यह उपाधार अंक आ जाएगा। ये पहली प्रश्नावली से कुछ बेसिक नियम थे,
वैदिक गणित तो चार नंबर की है। इसके बाद जो अगली प्रश्नावली है अपने पास, उसका नाम है वास्तविक संख्या है रियल नंबर्स, जो तीन नंबर की है। प्रश्नावली दो, ये आपको पता होना चाहिए कि कितने नंबर की है। इसका नाम है वास्तविक संख्या है रियल नंबर्स, जो अपने तीन अंक की है। और यहाँ से है कि प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अब वो प्रश्न कौन कौन सा हो सकता है, तीन टाइप के प्रश्न हैं। या तो आपसे पूछ ले यूक्लिड विभाजन के एक प्रमेय है उसकी सहायता से, या आपसे पूछ सकते हैं एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करो अपचय गुणनखंड विधि से, या आपसे पूछ सकते हैं सिद्ध कीजिए अनरूट तीन अनरूट दो अनरूट पाँच एक अपरिमेय संख्या, या आपसे पूछेंगे शांत या अशांत दशमलव। फाइनली यहाँ से एक तीन नंबर का प्रश्न बनेगा, शांत या अशांत दशमलव क्या होता है। किसी भी संख्या होती है, मान लो कोई भी परिमेय संख्या पी बटा क्यू, या मैंने लिख दी संख्या तीन बटा बीस, तीन बटा बीस तो बीस के अपाचय गुणनखंड क्या हो जाएंगे, दो इंटू पाँच। तो किसी संख्या के अपाचय गुणनखंड, हर का अपाचय गुणनखंड है क्यू का, वो यदि दो की घात एम और पाँच की घात एन के रूप का हो तो शांत दशमलव होगा, और यदि दो की घात एम और पाँच की घात एन के रूप का नहीं हो तो वह अशांत दशमलव होगा। किताब में दिया हुआ है, पहले मैंने आपको समझा दिया है। तो यहाँ इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो यहाँ आप एक सूत्र के बारे में ध्यान रखना। इस प्रकार का प्रश्न पूछने की पूरी पूरी संभावना है, कई बार पूछा गया। प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एम, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। एच सी एफ का मतलब हिंदी में बोलते हैं मैस एप है महत्तम समापवर्ती, और लेस एल सी एम को बोलते हैं लेस एप है, ये एक दूसरे के विलोम शब्द है। यदि आपसे पूछ ले मैस एप का विलोम शब्द तो आप कह सकते हो लेस एप है, विपरीत प्रक्रिया दोनों की। तो यहाँ आपसे मान लो पूछ ले एक नंबर में एच सी एफ ज्ञात करो, आपको इस प्रकार की तीन संख्या दे दें, आपको प्रथम संख्या दे दें, द्वितीय संख्या दे दें, एल सी एम दे दें, और आपसे पूछ ले एच सी एफ ज्ञात करो। तो यहाँ से आप इसका सूत्र बना सकते हो, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बटे में आ जाएगा एल सी एम। यदि आपको एल सी एम पूछे तो एल सी एम को यहाँ लेके आ जाओ, एच सी एफ को यहाँ लेके आ जाओ। इस प्रकार का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो विशेष इसका ध्यान रखना। तीन नंबर की यह प्रश्नावली है, एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। एक दो नंबर का और एक तीन नंबर का, ध्यान रखना। तीन नंबर की प्रश्नावली है, एक नंबर का छोटा प्रश्न पूछेंगे और दो नंबर का बड़ा प्रश्न पूछेंगे, यानी कि दूसरी प्रश्नावली से दो प्रश्न पूछे जाएंगे, एक नंबर दो नंबर। प्रश्नावली तीन की बात करते हैं, तो तीसरी प्रश्नावली जिसका नाम है बहुपद, यह तीन अंक की है। यहाँ से एक तीन नंबर का क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ बेसिक कंसेप्ट है इसमें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्य के एल्फा बीटा हो तो शून्यकों का योग होता है एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा है। याद रखना शून्यकों का योग का सूत्र है एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा है, और शून्यकों का गुणा होता है एल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। तो यह 3.1 प्रश्नावली में नियम लगेगा। इसी प्रकार इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो हो तो जहाँ ए नॉट इक्वल जीरो हो तो श्रद्धाचार्य या द्विघाती सूत्र
या द्विघाती सूत्र। तो यहाँ द्विघाती सूत्र हो जाएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है, याद रख लेना इसको। यहाँ ए बी सी रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्या है, और ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डी का फॉर्मूला है, व्यक्त कर बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट डी, इसका फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये मूलों की प्रगति के ज्ञात करने के लिए क्या आता है, मूलों की प्रगति ज्ञात करते हैं अपन, नेचर ज्ञात करते हैं उनका, उसके लिए अपन ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना डी की वैल्यू जीरो से बड़ी हो तो दोनों मूल किस प्रकार के होंगे, वास्तविक होंगे, बराबर होंगे। डी की वैल्यू जब बराबर जीरो हो तो दोनों मूल किस प्रकार के होंगे, दोनों मूल बराबर और वास्तविक होंगे, और डी की वैल्यू जब जीरो से जीरो बड़ा हो डी से, तो इसका मतलब है दोनों मूल काल्पनिक होंगे। यहाँ तीन प्रकार की नेचर हैं, मूल वास्तविक हो सकते हैं, मूल काल्पनिक हो सकते हैं, मूल बराबर हो सकते हैं। तो मूलों की प्रगति पूछा द्विघात समीकरण की, तो इस प्रकार इस फॉर्मूले से आप याद कर सकते हो। ये द्विघाती सूत्र है, माइनस बी प्लस माइनस, ध्यान रखना ये लाइन पूरी खींचनी है यहाँ पर। तो ये प्रश्नावली तीन से संबंधित था, अब प्रश्नावली चार की बात करते हैं। तो प्रश्नावली चार है सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नावली, और यदि आपको तैयारी करना है तो प्रश्नावली चार कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं वो तैयार करने में बता रहा हूँ आपको। इसका जो नाम है दो चरों वाली रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म। तो यहाँ आपको प्रश्न में दो समीकरण मिलेंगे, x प्लस वाई बराबर पाँच, इसी प्रकार एक समीकरण और मिल गया दो एक्स माइनस तीन में बराबर बारह, दो रैखिक समीकरण मिलेंगे। इनको आपको ग्राफीय विधि से हल करना है, ग्राफीय विधि कह सकते हैं, आलेखीय विधि कह सकते हैं। छः नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और 100% पूछा जाएगा, तो ये मान के चलो आप एग्जांपल छः सात वे आठ, एग्जांपल छः और सात वे आठ, एक तो इन दोनों को तैयार कर ले, एक 4.1 का चौथा क्वेश्चन तैयार कर ले, और विविध प्रश्नमाला का विविध का 10 और 11 प्रश्न तैयार कर ले। इनसे बाहर प्रश्न किसी भी हालात के अंदर नहीं जाएगा, चेक कर लेना, इनको आप तैयार कर लेना। यहाँ पर आपको ग्राफ के बारे में मैंने अच्छी तरह से पहले समझा दिया, इसका जो पैमाना होगा, इसके दो सारणी बनाएंगे अपन, किस प्रकार बिंदु अंकित करते हैं, ये सब मैंने इसमें बता दिया। तो प्रश्नावली चार है, ये 6 नंबर की है, और 26 नंबर क्रमांक बोर्ड पेपर में 26 नंबर पे ग्राफ का प्रश्न होगा, वो भी 6 अंक का होगा, सेक्शन डी में होगा, विशेष ध्यान रखना। इसी प्रकार अपने पास प्रश्नावली पाँच की बात करें, तो प्रश्नावली पाँच है, प्रश्नावली पाँच समांतर श्रेणी, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव एपी। कौन कौन से फॉर्मूले हैं, एक तो आप इसका व्यापक रूप याद रखना, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, इस प्रकार लास्ट में डॉट डॉट डॉट, ए प्लस एन माइनस वन डी, ये इसका व्यापक रूप है। दो नंबर में पूछ लें व्यापक पद का फॉर्मूला, जिसे अपन ए एन से लिखते हैं, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी, या ए एन का मतलब अंतिम पद भी होता है, तो ए एन बराबर एल भी लिख सकते हैं अपन। तीसरा इसमें एक फॉर्मूला योगफल का, एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल पूछे हैं, तो यह आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो, एस एन बराबर एन बटा दो कोष्टक टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये इसका फॉर्मूला है। तो निश्चित रूप से यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा, या अपन एस एन का ये भी लगा सकते हैं, एन प्रथम पद दिया हुआ अंतिम पद दिया हुआ बटे में दो। तो प्रश्नावली पाँच
तीन अंक की है, एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। इसी प्रकार प्रश्नावली 6, 7, 8 मैंने अभी आपको जस्ट बता दी, 6, 7, 8 जिसमें टोटल 11 नंबर के प्रश्न हैं, 6, 7, 8 त्रिकोणमिति से संबंधित है, विशेष ध्यान रखना। वहाँ देखो जैसे प्रश्नावली 8 की बात करें अपन, प्रश्नावली 8 ऊंचाई व दूरी हाइट एंड डिस्टेंस, यहाँ से एक 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और यह प्रश्नावली अपने यातायात सड़क सुरक्षा उसमें भी इसका प्रश्न दे रखा है, इसको एक बार देख लें आप वहाँ किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। एक से ध्यान रखना, ए बी सी, ठीक है। ये मान लो खंभे की ऊंचाई है, ये अपने पास 40 मीटर है और ये जब कोण बनाता है वो 45 डिग्री का है। अब आपसे पूछ ले कि इसकी छाया की लंबाई कितनी होगी, तो हमेशा ध्यान रखना थीटा कभी भी 45 आ जाए तो जितनी खंभे की ऊंचाई होगी उतनी ही छाया की लंबाई होगी। थीटा जब 45 डिग्री आ जाए तो, क्योंकि टेन 45 की वैल्यू होती है वो होती है 1, तो इस पर यहाँ पर लंब और आधार है वो दोनों आपस में बराबर होते हैं, विशेष ध्यान रखना। इसी प्रकार इसमें उन्नयन कोण अवनमन कोण दो प्रकार के कोण हैं अपने पास। तो उन्नयन कोण अवनमन कोण क्या होता है, ये तो नीचे की तरफ जो कोण बना थीटा 1 ये उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण। और इसी प्रकार मैंने यहाँ बना दिया थीटा 2 तो ये अपने अवनमन कोण है। अवनमन कोण उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं, थीटा 1 बराबर थीटा 2 क्यों बराबर होते हैं, क्योंकि ये जो समांतर रेखा है ये एक जेड आकृति बनती है, एकांतर कोण बनते हैं और जेड आकृति बनने वाले कोण बराबर होते हैं तो ये एकांतर कोण कहलाएंगे। इसलिए यहाँ पर देखो जेड आकृति बन रही है। और ये ध्यान रखना अवनमन कोण को बाहर की तरफ ले रहे हैं अंदर की तरफ नहीं लेते हैं, तो इसे ध्यान रखना अवनमन कोण उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं। जब व्यक्ति सर उठा के किसी वस्तु को देखता है तो उन्नयन कोण बनता है, और जब कोई व्यक्ति सर झुका के किसी वस्तु को देखता है तो अवनमन कोण बनता है। मान लो कोई दोस्त किसी के घर पे गया अपने दोस्त के, और उसने आवाज़ लगाई, जो दोस्त है वो छत पे खड़ा है, नीचे वाले दोस्त ने आवाज़ लगाई तो इसने ऊपर की तरफ देखा, तब तो यह बन गया उन्नयन कोण। और इस दोस्त ने वापस इसको नीचे की तरफ देखा तो यह बन गया अवनमन कोण, लेकिन दोनों आपस में बराबर है। तो इसने तो सर झुका के नीचे वाले व्यक्ति को देखा है, नीचे वाले अपने दोस्त को देखा है तो सर झुकाया इसने, तो सर झुकाने का मतलब होता है अवनमन और सर उठाने का मतलब होता है उन्नयन। प्रश्नावली अब 9 की बात करें अपन, निर्देशांक ज्यामिति जो 6 नंबर की प्रश्नावली है, निर्देशांक ज्यामिति एक बार ग्राफ समझ लें यहाँ से, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश ये मूल बिंदु 0, प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ, यहाँ प्लस प्लस होता है, यहाँ पर माइनस प्लस होगा, यहाँ माइनस माइनस होगा, यहाँ प्लस माइनस होगा, विशेष ध्यान रखना। ये क्षैतिज रेखा है जो एक्स डैश वो एक्स कहलाती है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये जहाँ दोनों आपस में प्रच्छेद करे वो मूल बिंदु कहलाता है, और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो 0, 0 होते हैं। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूले, एक होएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र, दो बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र ज्ञात करना है, तो यहाँ सूत्र हो जाएगा पी क्यू बराबर अंडरूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। एक याद रखना, मूल बिंदु से दूरी सूत्र, मूल बिंदु से दूरी सूत्र, तो विशेष एग्जाम में पूछा जाता है मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होगा, ओ पी बराबर अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक तो 0, 0 हो गए। चाहे आप ये सूत्र लगा के देख लो, ये सूत्र बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो याद रखना मूल बिंदु से दूरी सूत्र है वो अपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, अंडरूट का चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रकार प्रश्न पूछते हैं बिंदु पी
3-5 की वाई एक्स से दूरी बताओ। तो 3-5 की वाई एक्स से पूछे तो एक्स का मान लिखना 3 और एक्स एक्स की पूछे तो वाई का मान लिखना 5। ध्यान रखना यहाँ वाई एक्स है तो इसकी दूरी होगी 3 और जब एक्स एक्स पूछता तो इसकी दूरी हो जाती 5। तो ये छोटे से प्रश्न हैं, ये फॉर्मूले हैं, फिर इसमें सूत्र अपने काम करेगा, अंत विभाजन सूत्र, बाह्य विभाजन सूत्र। यहाँ से 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्नावली 9, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति, जो अपने 6 अंक की है। 28 नंबर क्रमांक पे इसका प्रश्न होगा, 6 अंक की। इसमें आपके एक 6 में 3+3 एक साथ दो प्रश्न पूछेंगे, इसी में 3-3 नंबर के दो प्रश्न हो जाएंगे। तो देखें कौन कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं। एक आपसे पूछ सकते हैं अंत विभाजन सूत्र से, तो अंत विभाजन सूत्र, और एक होता है अपने बाह्य विभाजन सूत्र। अंत विभाजन सूत्र, बाह्य विभाजन सूत्र, एक्स बराबर m1x2+m2x1/m1+m2, वाई बराबर m1y2+m2y1/m1+m2। बाह्य विभाजन के पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का चिन्ह कर लो, m1-m2 इतना ही अंतर है, या प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, बाकी कंडीशन सेम है। इसी प्रकार y का हो जाएगा m1y2+m2y1 m1-m2। अंत विभाजन, बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन के अनुपात माइनस में होंगे, अंत विभाजन के अनुपात प्लस में होंगे। आपसे पूछ ले किस अनुपात में, तो माना कि m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि m1 m2 का मान माइनस में आए तो बाह्य विभाजन है, और यदि m1 m2 का मान प्लस में आए तो अंत विभाजन है। इसी प्रकार इसमें एक लास्ट सूत्र और है, कई बार पूछते हैं कि सिद्ध कीजिए कि दिए गए बिंदु सरेख हैं। तो सरेख का मतलब क्या होता है? सरेख का मतलब है कि तीन बिंदु हैं ABC, और इनको यदि मिलाएं और एक समान रेखा प्राप्त हो, एक सीधी रेखा प्राप्त हो, तो ये तीनों बिंदु सरेख बिंदु कहलाएंगे, और इससे बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो होगा 0। याद रखना, तीन सरेख बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। यहाँ पर AB+BC=AC, ये कंडीशन सत्यापित करनी होती है आपको। अब एक फॉर्मूला और है इसमें, वो अपने पास है मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होंगे अपने पास, x=x1+x2/2, y=y1+y2/2। जब प्रश्न में मध्य बिंदु नाम आ जाए तो मान के चलना ये सूत्र लगाना है। तो आज के इस वीडियो क्लास में मैंने आपको प्रश्नावली 1 से लेकर 9 तक के महत्वपूर्ण सूत्र नियम सब बता दिए हैं, एक बार आप इसको अच्छी तरह समझ लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके प्रश्नावली 10 से लेकर प्रश्नावली 19 तक के जो भी नियम हैं, सूत्र है, वो बताऊँगा। और मैंने प्रथम प्रीबोर्ड पेपर, द्वितीय प्रीबोर्ड का पेपर भी अपलोड कर दिया है, लगभग उसी के अनुरूप ही प्रश्न बोर्ड पेपर आएगा 2020 का, तो उसको भी आप चेक करते हैं। विशेष ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है, उसमें से 50% चांसेस है कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।